अचलपुर विधानसभा में इन दिनों नामांकन प्रक्रिया के लिए सभी दल अपनी ओर से जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसका सर्वप्रथम शक्ति प्रदर्शन अपक्ष उम्मीदवार बच्चू कड़ू ने अपने नामांकन प्रक्रिया द्वारा किया था। तो उसके दूसरे ही दिन कांग्रेस की ओर से महायुति के उम्मीदवार बबलू देशमुख ने किया। बबलू देशमुख ने अपनी रैली की शुरुआत अचलपुर के मध्य भाग माने जाने वाले गांधी पुल से की, जहां पर आस पड़ोस के ग्रामीण भाग से विशाल जन समुदाय एकत्रित हुआ था। बाद में यह रैली गांधी पुल से होते हुए देवड़ी टक्कर चौक से होते हुए खिड़की गेट के बाद परतवाड़ा पहुंची। परतवाड़ा में भी लोगों ने जगह जगह बबलू देशमुख का स्वागत किया। युवा ने कई जगह आतिशबाजी की, मानो कुछ क्षण के लिए दिन में ही दिवाली का माहौल बन गया था। वही धूप से थके हारे लोगों के लिए नाश्ता एवं शीतल जल की भी व्यवस्था मुख्य चौराहे पर की गई थी। इस रैली की विशेष बात यह थी कि हिंदू मुस्लिम सहित सैकड़ों दलित समुदाय के लोगों ने बड़े उत्साह से इस रैली में शामिल होते हुए नजर आए। बड़े लंबे चौड़े बैलगाड़ी पर सवार बबलू देशमुख जगह जगह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस वेशभूषा में सच्चे किसान की झलक भी बता रहे थे। वही उनके ठीक पीछे अभी अभी अमरावती के खासदार बलवंत वानखड़े भी विधायक यशोमती ठाकुर के साथ बबलू देशमुख का हौसला बढ़ा रहे थे। वही चांदूर रेलवे के विधायक वीरेंद्र जगताप, रिपाई के राजेंद्र गवई भी साथ में दिखाई दे रहे थे। कुछ मिलकर अचलपुर के महाअघाड़ी के सभी महत्वपूर्ण बड़े नेता, खासदार बलवंत वानखड़े, यशोमती ठाकुर, आरपीआर राजेंद्र गवई, वीरेंद्र जगताप, शिवसेना नरेंद्र फिस्के, नरेंद्र पडोड़े, अजीज पटेल, कदीर पहलवान, शहीद मौलाना कांचनमाला गावंडे, वासंती मंगरोड़े सहित सभी ने इस नामांकन रैली में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ अचलपुर के जमीनी स्तर के नेता राहुल गाठे, विश्वास गवई, श्रीकांत झोड़पे, नरेंद्र फिस्के आदि नेतागण रैली में शामिल हुए। रुपेश वाजपेयी के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, अचलपुर।